हेलो स्टूडेंट, माई सेल बिंदु बालक कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है वो कैसे होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के कुछ उदाहरण। ठीक है, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीज़, दूध से सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूध से निर्मित पदार्थ। ठीक है, इसमें इसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि चीज़ और योगर्ट। ठीक है, पनीर और योगर्ट के रूप में, जैसे कि देखते हैं पनीर या चीज़। प्राचीन काल में चीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है, निर्माण बकरों अथवा गधे के स्टोमक, ठीक है, का उपयोग करके किया जाता था। इसके स्टोमक की रेखित पेशियों में, ठीक है, रेनेट नामक मटेरियल पाया जाता है। इन रेनेट में रेनिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार फिग जो अंजीर, ठीक है, के प्लांट्स के रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स फिसिन का यूज़ भी चीज़ के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, 1874 में डेनिश रसायनज्ञ हैंसेन ने सबसे पहले बछड़े काल्फ के स्टमक से रेनेट नामक मटेरियल को अलग किया था। ठीक है, जिसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर चीज़ फॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है। चीज़ तो है वो दो प्रकार के होता है। ठीक है, अनरिब्ड और रिपेंट चीज़। ठीक है, कच्ची पनीर और पक्की पनीर। तो सबसे पहले देखते हैं अनरिपेंट चीज़ क्या होता है। लैक्टिक एसिड की क्रिया से प्राप्त कर्ड से कच्ची पनीर का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ का फॉर्मेशन करते समय स्टरलाइजेशन एवं मक्खन निकाले दूध, इसकी मिल्क में क्या होता है, चीज़ कल्चर को मिला लिया जाता है। ठीक है, चीज़ कल्चर में जो है वो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, ड्यूकोनोस्टोक सिट्रावोरम, ड्यूकोनोस्टोक डेक्ट्रोनिकम। ठीक है, सबसे पहले दूध की शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है वो फट जाता है और उसके जो है वो थक्के बन जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, कर्ड बन जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त कर्ड है उसके थक्के को मट्ठे वाई में से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और उसे धीरे धीरे गर्म करके जो है वो उसका पानी निकाल देते हैं। अब इसमें जो है वो नमक एवं मक्खन मिला दिया जाता है, इस प्रकार क्या होता है, कच्ची पनीर तैयार की जाती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं रिपेंट चीज़ या पक्की पनीर। पकी हुई पनीर का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पाश्चराइज्ड मिल्क लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया के कल्चर को मिला दिया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें रेनेट मिला दिया जाता है, जिससे कि कर्ड बन जाता है। इन कर्ड के थक्कों को मट्ठे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर क्या करते हैं, मट्ठे में दूध का पानी, लैक्टोस, मिनरल सॉल्ट और लैक्टिक एसिड की कुछ मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त जो कर्ड है उसको काट कर कपड़े की सहायता से क्या करते हैं, पूरा पानी हम लोग निचोड़ कर उसे चेक और बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, इस स्टेज में प्राप्त
तो जो पनीर है वो कैसे होता है, रबड़ के समान होता है। और लैक्टोज की प्रेजेंट के कारण इसका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, मीठा होता है। ठीक है, इसे कॉटेज चीज़ भी कहते हैं या फिर कॉटेज पनीर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, काटे गए पनीर के चौकोर खंडों को खारे पानी या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, जिससे कि चीज़ की जो अपर सरफेस पर जो है वो सॉल्ट की क्या हो जाती है, लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, चीज़ को सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाने के जो है वो दो कारण होते हैं, जैसे कि इसके कारण पनीर में उपस्थित ह्यूमिडिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें अनचाहे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वृद्धि नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होता है, चीज़ सुरक्षित रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राप्त पनीर के टुकड़ों को क्या करते हैं, एक विशिष्ट कमरे में पर्याप्त टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलाकर स्वाद के अनुसार जो है वो पनीर तैयार किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया से प्रोटियोलाइसिस एवं लाइपोलाइसिस होती है। इस प्रकार पनीर के पकाने का समय 1 माह से लेकर कई माह तक हो सकता है। इस प्रकार प्राप्त पनीर में, ठीक है, 20 से 35% प्रोटीन और 20 से 30% तक फैट्स एवं मिनरल मटेरियल्स भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं योगर्ट या फिर दही। हमारे देश में इसका फॉर्मेशन केवल क्या होता है, घरों में होता है। ठीक है, सामान्यतः जो है वो इनकी बिक्री बाजार में नहीं होती। पश्चिमी देशों में इसका निर्माण जो है वह व्यावसायिक स्तर पर होता है। योगर्ट के निर्माण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एवं लैक्टस वल्गेरिस आदि के कल्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी उद्योग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट के विभिन्न स्ट्रेंस की माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट की इस स्पीसीज का उपयोग जो है वो डबल रोटी केक बिस्किट एक्सेट्रा के प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ईस्ट। टारूलोपसिस यूटिलिस को सीरे गन्ने की शर्करा युक्त पदार्थों के ऊपर कल्चर किया जाता है। ठीक है, इन कल्चर मीडियम से ईस्ट से उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके धो लेते हैं और इसे सुखाकर पैकेट में बंद करके बिक्री के लिए क्या करते हैं, मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है वो फूड ईस्ट को ब्रीविंग इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। फूड ईस्ट में जो है वो ड्राई ईस्ट सेल्स होती है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं प्रोटीन की मात्रा टोटल ड्राई वेट का 40 से 50% तक होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, हाई क्वालिटी वाले पोषक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन एल्कोहलिक बेवरेज। सबसे पहले लुईस पाश्चर 1833 ने बताया कि बियर एवं बटर मिल्क का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शुगर रिलेटेड पदार्थों से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जिसमें शुगर प्रेजेंट होता है ऐसे पदार्थों से क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। ईस्ट यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है, अल्कोहल में मुख्यतः ईस्ट के दो स्पीसीज जो है वो उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और दूसरा है सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडियम। ठीक है, जब अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए स्टार्च की हाई क्वांटिटी युक्त पदार्थों जैसे कि मेज पोटैटो आदि का उपयोग किया जाता है, तब उसमें बैरली के उगते हुए सीड्स जिसे मैस मॉल्ट कहते हैं। ठीक है,
मिला देते हैं। मेस माल्ट में एमाइलेज नामक एंजाइम्स पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। ठीक है, अब इस मैस में ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, ईस्ट सेल्स में उपस्थित जो माल्टेज एंजाइम माल्टोस का क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करके उसे क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ईस्ट सेल्स में प्रेजेंट जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आजकल जो है वो माल्ट के स्थान पर राइजोपस ओराइजी और एस्परजिलस नाइगर का उपयोग होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्रिया के जो लास्ट है, ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा लास्ट में एल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, वाइन का फॉर्मेशन सामान्यतः फ्रूट के जूस से होता है। ठीक है, जैसे कि अंगूर का रस, संतरे का रस। ठीक है, एल्कोहल को विभिन्न स्वाद टेस्ट देने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उनमें विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, जैसे कि रम, ब्रांडी, विस्की, स्कॉच एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एल्कोहल एवं एल्कोहलिक पेय पदार्थों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन विनेगर इंडस्ट्री। सिरका एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसे स्टार्च या शुगर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, विनेगर के प्रोडक्शन में एसिटोबैक्टर एसिटी के स्ट्रेन्स का उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसके जो है वो उत्तम गुणवत्ता वाले स्ट्रेन भी क्या किए गए हैं, डेवलप किए जा चुके हैं। ठीक है, विनेगर का प्रोडक्शन दो स्टेप में पूर्ण होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में शुगर या स्टार्च को ईस्ट के फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा एल्कोहल में चेंज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया के द्वारा एल्कोहल का एरोबिक ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, विनेगर तैयार करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बहुत से एसिड के फॉर्मेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें से एसिटिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक एसिड है जिसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। यह विनेगर का जो है वो मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो रंगकारक पदार्थ, कीटनाशी आदि के रूप में होता है। ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री और ड्रग्स इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या पोटैटो, मोलेसिस, वेस्ट सल्फाइड लिक्विड आदि का क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मिल्क की शुगर से भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में जो है वो लैक्टोबैसिलस, डेलब्रुक लैक्टोबैसिलस वुलगेरिकस, माइक्रोबैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई, माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भाग लेते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड का उपयोग फूड मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि अचार बनाने में, रेशम को रंगने में भी किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन विभिन्न प्रकार के शुगर युक्त फ्रूट्स का हाइड्रोलिसिस स्टार्च वाले पदार्थों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके फॉर्मेशन में मुख्य रूप से एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की विभिन्न स्पीसीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग विनेगर बनाने में और विभिन्न इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सैटिक एसिड। इसका फॉर्मेशन शुगर के द्वारा होता है। सैटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए एस्परजिलस नाइगर नामक फंगस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या हो सकते हैं, जैसे कि
ड्रग्स फॉर्मेशन में, विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल के फॉर्मेशन में, इंक के फॉर्मेशन में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डाई के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन शुगर एवं कार्बोहाइड्रेट की सहायता से किया जाता है। फॉर्मेशन की इस प्रोसेस में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड का यूज़ विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेनॉल। शुगर के द्वारा क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम की प्रेजेंस में ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है।